अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 21। आज हम लोग स्टडी करेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। बायो की बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 141। बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये एक दफ़ा बोर्ड में लॉन्ग आ चुका है। विद हेडिंग्स आपको रिटर्न मटेरियल के साथ ये सेंड कर दूंगी मैं, ताकि आप लोग इसको नोट करें और याद भी वहीं से करना है, ठीक है। अभी आप लेक्चर अटेंड करेंगे, बहुत इजी टॉपिक है, इसको समझ लें और प्रॉपर हेडिंग के साथ जैसा लिखा हुआ क्वेश्चन आपको मैं सेंड करूंगी, वैसे ही नोट्स आपने प्रिपेयर करने हैं इसके। बैलेंस डाइट में सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझेंगे बैलेंस डाइट क्या है। बेसिकली बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक ह्यूमन को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए जितने हेल्दी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सारे न्यूट्रिएंट्स अगर एक डाइट में मौजूद हों तो उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। जितने प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, जो जो चीज़ें उसके लिए चाहिए, रिक्वायर्ड हैं, वो सब मौजूद होनी चाहिए। अगर कोई एक कंपोनेंट मिसिंग है तो दैट डाइट विल नॉट कॉल्ड एज बैलेंस डाइट। नेक्स्ट, इसके लिए आपको एक चार्ट दिया गया है, कॉमन फूड्स एंड परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बुक पे देखें, पेज नंबर 151। स्क्रीन पर आपको सारे कंपोनेंट्स नहीं मिलेंगे। एक बात सुन लें, ये जितना टेबल दिया हुआ है ये सारी की सारी वैल्यूज आपने याद करनी है। बुक में गिवन है परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ब्रेड विच इज़ 52%, लिपिड इन ब्रेड 3%, प्रोटीन इन ब्रेड 9%। इसी तरह से राइस, पोटैटो, एप्पल, एग्स, मिल्क, बटर और चिकन, इन सब के आपको कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन के कंटेंट्स गिवन है। टेबल पे मेंशन कर लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। इसमें से किसी के परसेंटेज भी ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है और ये बहुत दफ़ा पूछी भी गई है, ठीक है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो टेबल में गिवन है पेज नंबर 151 पे, ये याद करना है और एज इट इज़ लिखना भी है। उसके बाद है आपके पास रिलेशनशिप ऑफ बैलेंस डाइट विद एज। बुक पे आपको हेडिंग मिल रही होगी जनरल, रिलेशनशिप ऑफ बैलेंस डाइट विद एज, जेंडर एंड एक्टिविटी। इसको स्प्लिट कर दिया है तीन सेक्शंस में। सबसे पहले आप देखेंगे रिलेशनशिप ऑफ बैलेंस डाइट विद एज, कि एज के साथ साथ बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट्स किस किस तरह से चेंज हो सकती हैं। अगर हम एडल्ट्स और चिल्ड्रन को कंपेयर करें, जो ग्रोइंग एज है, ग्रोइंग एज में डाइट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि उस एज में बॉडी में मसल्स बन रहे हैं, बोन्स ग्रो कर रही हैं, हाइट ग्रो कर रही है, बहुत से हार्मोन्स और इस तरह की चीज़ें बॉडी में ग्रो कर रही हैं। उस ग्रोथ के लिए सब के सब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, उनका इनपुट इनटेक ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। एडल्ट्स की बॉडी में डिवेलपमेंट का काम नहीं हो रहा, सिर्फ ग्रोथ हो रही है, और उनकी ग्रोथ ग्रोइंग एज के चिल्ड्रन की नस्बत थोड़ी कम है। तो एडल्ट्स में रिक्वायरमेंट्स थोड़ी कम होती हैं बैलेंस डाइट की। चिल्ड्रन या ग्रोइंग एज के बच्चों को अगर देखा जाए, उनकी बॉडी पे मसल्स बन रहे हैं तो प्रोटीन का लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लिपिड का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि उनकी नर्व्स ग्रो कर रही हैं। इसी तरह से अगर आप कंपेयर कर लें एडल्ट्स और चिल्ड्रन को, तो चिल्ड्रन में उनकी अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए बैलेंस डाइट की। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ बैलेंस डाइट विद जेंडर। जेंडर का मतलब है कि मेल और फीमेल में अगर आप कंपेयर करें कि मेल्स की डाइट कैसी होनी चाहिए और फीमेल की, तो मेल का मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो फीमेल्स की नस्बत बहुत ज़्यादा होता है। अगर मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है, इट मींस कि उनकी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत फास्ट हो रही है, तो उनको बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट भी फीमेल से ज़्यादा चाहिए। और फीमेल्स की बॉडी में मेटाबॉलिक रेट मेल से क्योंकि कम है, तो उनमें बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट की थोड़ी कम है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें, इसको कंपेयर करना है विद लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल भी हमारी बैलेंस डाइट को इफेक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली एक पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल का आदी है, जिसकी लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव है, वर्किंग है, बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स, वर्कलोड ज़्यादा है, उसको डाइट की अमाउंट भी ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू द पर्सन हु हैज़ अ सीडेंट्री लाइफस्टाइल। सीडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब है जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो, एक जगह के पर बैठे रहने वाला, या बहुत ज़्यादा रेस्ट जिसकी डे टाइम है जिसको मिल रहा है, उसको डाइट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर डाइट का इंटेक ज़्यादा होगा तो वो उसके लिए ओवर ईटिंग में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास पेज नंबर 152 में मेल और फीमेल का चार्ट भी कंपेयर किया गया है एज के हिसाब से। वो चार्ट आपने याद नहीं करना, उसमें से कुछ चीज़ें आप याद कर लें, कुछ पॉइंट्स एग्जांपल के तौर पे कोट करने के लिए, ठीक है। हेडिंग्स जो है, हेडिंग के साथ आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत आसान है। याद करने के लिए मैंने एक दिन पूरा क्यों दिया इसके लिए, क्योंकि जो टेबल है पेज 151 पे, उसमें वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ याद करने के लिए आपको टाइम लगेगा। थ्योरी इसकी मुश्किल नहीं है, वो तो बहुत जल्दी याद हो जाएगी। टेबल याद करना है और इस पूरे क्वेश्चन को विद हेडिंग्स जो पैटर्न मैं आपको सेंड करूँगी, उसको आपने मिनिमम 2 times लिखना है। एक तो आप लोग देख के लिखेंगे ना, जो नोट्स बनाने हैं आप लोगों ने, सेकेंड टाइम आप इसको ज़ुबानी लिखेंगे, और उसके बाद कोशिश करें कि टेबल को अलग से 2 से 3 दफ़ा ज़रूर लिखें।
उसमें राइस और ब्रेड, ये दो पॉइंट्स हाईलाइट कर लें क्योंकि ये बहुत बार रिपीटेडली बोर्ड में आ चुके हैं। थैंक यू।